अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कदीर रफानी ऑटो लाहौर से। ये भाई मेरे पास गाड़ी लेके आए हैं, ये कितनी है लॉन्ग पे एवरेज दे रही गाड़ी? ये 8 किलोमीटर कर रही है। 8 किलोमीटर कर रही गाड़ी। किधर से हैं आप? हम आए सियालकोट से। ये सियालकोट से आए हैं तो इनकी गाड़ी का कापट अभी खोलने लगे हैं। गाड़ी बंद कर दें आप, इसके अंदर कुछ फॉल्ट है वो निकालते हैं। अभी खोलते हैं सारी गाड़ी। खोला मतलब कापट है, खोला कापट। लो जी भाई जान, ये आए थे सियालकोट से कारपेट कराने के लिए, इनको मैंने काम करके दे दिया। हाँ जी भाई बताएं जरा, आप अपनी गाड़ी का पिकअप बताएं जरा। गाड़ी नरम हो गई आपकी? जी नरम, उसमें तो फर्क पड़ा है। बकाया पेट्रोल की एवरेज है, वो तो चला भी पता चलेगा क्या पेट्रोल की एवरेज है। ओ इंशाल्लाह पेट्रोल की एवरेज इनकी बेहतर आएगी। मैंने प्लग खोल कर भी चेक कर लिया आगे, पहले इनके प्लग फुल ब्लैक थे, लोकल 4 किलोमीटर लॉन्ग पे अटका रहे थे। अब आप गाड़ी चला रहे हो, आप मुतमिन हैं काम पे? जी पिकअप तो बहुत अच्छी हो गई है इसकी। कारपेट की सेटिंग शूटिंग हर चीज से मुतमिन हैं आप? जी। लो जी भाई जान, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फेसबुक में भेजो। ओके अल्लाह हाफिज़। ये कारपेट मैंने खोली हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक स्लो जेट भी काट दिया किसी ने। ये इसके अंदर गियर को रोकेगा तो गाड़ी बंद होगी, वरना गाड़ी बंद नहीं होगी। ये जो जेट है ये 90 नंबर है, सही लगा हुआ है। ये जेट भी सही लगा हुआ है 110 का, ये भी ठीक है। पावर जेट भी ठीक है इसका। इसके कारपेटर के अंदर जो फॉल्ट थे वो मैंने इसको सर्विस कर दिया। कारपेटर पूरा चोकू हुआ था, सफाई कर दी सारी। अभी इसकी मैं फिटिंग करने लगा हूँ, अभी जेट जुट फिट करके इसके सारे गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये भाई दूर से ऐसे सियालकोट से आए थे, मतलब पकड़ यार। ये वाला अक्सर लीवर निकाल देते हैं, ये लीवर अगर लॉन्ग पे सफ़र करना है इसको नहीं निकालना आपने। ये लीवर लगा होना चाहिए इसके अंदर। इस लीवर के बगैर आपकी गाड़ी का पिकअप सेटल नहीं होना है। दोनों बटरफ्लाई का अगर काम नहीं ना करेंगे ये दोनों, तो गाड़ी का पिकअप कभी भी ठीक नहीं हो सकता। जो मर्ज़ी कोई कर ले, कारपेट अगर आपका सेट है ना, अगर सही काम कर रहा है, इंजन चाहे जितना मर्ज़ी कमज़ोर हो ये रिज़ल्ट देगा। अगर वाल कोई लीक ना हो या प्लग शार्ट ना हो, आपकी कोयल की तारें ना ख़राब हों, तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। कारपेट सेट हो तो उसको छेड़ना ही चाहिए। ये 8 दे रही लॉन्ग पे एवरेज, इंशाल्लाह कम से कम इसको 15, 16, 17 और अच्छी करे तो इससे भी ऊपर। बाज़ गाड़ियाँ मेरे पास कस्टमर आए हैं वो कर रही हैं जिनके इंजन हैं। हाँ जी, ये अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इसका, टोटल कम्प्लीट करके गाड़ी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। कारपेट कम्प्लीट हो गया, इसकी फिटिंग करने लगे हम। बोर्ड ला सारे, नट ला बराबर अगे कर सारे। ये देखें इसके गाड़ी के ना प्लग फुल काले थे, फुल। ये अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की, इसकी टिप्स सफ़ेद होना शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल ब्लैक प्लग थे। अभी ये चलाएंगे जाएंगे वापस इंशाल्लाह, तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, एवरेज बेहतर आएगी इंशाल्लाह ताला। ये इसके प्लग फुल काले थे, अभी थोड़े सफ़ेद होने शुरू हो गए। ये गाड़ी लोकल 4-5 कर रही थी, लॉन्ग पे 8 कर रही थी। ओके, ये भाई की गाड़ी होगी कम्प्लीट। कारपेट बिल्कुल परफेक्ट है, किसी किस्म की कोई मिसिंग मुसिंग नहीं। ये वैकम भी काम कर रहा है, सारे पैप पुल्ड पुल्ड लगे हुए थे, सारी सेटिंग है, साउंड बिल्कुल स्टिल है। इसके टैपर वाज गाने इसके ऑटोमेटिक है। ये कारपेट भी ठीक है इंशाल्लाह। फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा थी, लोकल कहना 3-4 कर रही थी, लॉन्ग पे 8 दे रही थी। इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा इंशाल्लाह। ओके, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फेसबुक में भेजो के लाइक।